ये है कि गैस से समझिए कि सबसे आखिरी ट्रिक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी हमें गैस जंक्शन पर होली के लेके इतना भीड़ है गैस जंक्शन पर कि मत पूछिए। तो चलिए आज आपको हम गैस जंक्शन से लेके आपको तारिकनाथ तक का सफर कराते हैं, वो भी रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस से। देखिए यही गैस जंक्शन टिकट काउंटर है और इधर भीड़ देखिए कितना भीड़ है भाई। ये रात के समझिए कि पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना एकदम भर जाएगा सब, और पन्नी वगैरह भी छा के सब सोया हुआ रहेगा, क्या है कि गर्मी का सीजन है, खुले आसमान में सब ज़्यादा सोता है। और बाकी अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, हमारी ट्रेन आएगी अभी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और यही है सामने वाला फुट ओवर ब्रिज जिसके ज़रिए हम लोग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और इधर देखिए, इधर अब जैसे ही जंक्शन से बाहर निकलेगा आपको बहुत सारा ऑटो वगैरह लहर लगी रहेगी, जो आपको गया में कहीं भी जाना है आपको किसी कोने में तो आप जा सकते हैं। और इधर देख सकते हैं पूरा गया जंक्शन को पूरा तोड़ फोड़ के नए सिरे से बनाया जा रहा है, इसलिए चारों तरफ बैरिकेडिंग किया हुआ आपको दिखेगा। यहाँ से पूरा का पूरा दिख रहा है, देखिए पूरा भी जेसीबी लगी हुई है, काम वाम पूरा हेवी चल रहा है। अब पूरा का पूरा जो भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में जो बिल्डिंग्स था, वेटिंग हॉल से लेके आप और भी जो बिल्डिंग्स था, सारा का सारा तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद फिर से नए तरीके से बनाया जाएगा। आगे में पिलर उलर देख सकते हैं सब लग रहा है। होली के लेके ट्रेन में इतना भीड़ है कि मत पूछिए, आदमी को तो ट्रेन में जगह नहीं मिल रहा, फिर भी आदमी भर भर के आदमी जा रहा है। और ये देखिए यही फुट ओवर ब्रिज अभी खाली खाली है, और बहुत जगह एरो दिया हुआ है बाहर जाने का रास्ता हर तरफ, जिधर भी आप जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी गैस जंक्शन पर जो काम चल रहा है उसकी वजह से आदमी बहुत कन्फ्यूज हो जा रहा है कि किधर जाना है किधर नहीं। देखिए विष्णुपद मंदिर जाने के लिए एरो दिया गया है, और यहाँ पर देखिए लिफ्ट है, अगर आप चाहें तो लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं। और बाकी इधर देखिए इसको लॉक किया गया है क्योंकि इधर भी अभी काम ही चल रहा है, जिसके वजह से पूरा का पूरा अभी फुट ओवर ब्रिज को लॉक कर दिया गया है। आप इधर वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं अभी सारा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड है, अभी बन रहा है, और अभी लगभग सारा वेटिंग हॉल से लेकर टिकट काउंटर जो और जितना फैसिलिटीज़ होने वाला है और स्टेशन में सारा का सारा इसी तरफ अब होने वाला। देखिए सारा का सारा बिल्डिंग्स जो है उसी के लिए बन रहा है। और सामने वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं अभी फ़िलहाल वेटिंग हॉल, वो उसी बिल्डिंग में वेटिंग हॉल है अभी, जो सबसे आखिरी वाला जो आपका फुट ओवर ब्रिज है गया में, मतलब कि आपका साइड जो हो गया मुगलसराय साइड में, मतलब कि पश्चिम साइड में, वो सबसे आखिरी का जो फुट ओवर ब्रिज है उसी से क्रॉस करके जाएंगे तो आपको वेटिंग हॉल वगैरह मिलेगा। यही 6 नंबर प्लेटफॉर्म है जिस पे हमारी ट्रेन अभी आने वाली है जनशताब्दी एक्सप्रेस। बाकी आप भीड़ देखिए कितना हैवी भीड़ है जनशताब्दी में, और यहाँ जितना खाली होता है उतना आदमी चढ़ता भी है जनशताब्दी में। मैक्सिमम यहाँ ट्रेन ये खाली भी होती है और पैसेंजर भी उतना ही बोर्ड करता है यहाँ पर। ये देखिए यही जनशताब्दी एक्सप्रेस है जो अभी अराइवल हो रही है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे WAP-7 लोकोमोटिव के साथ। ट्रेन में भीड़ यहीं से दिख रहा है, हालांकि उतरने वाला भी बहुत सारे गेट पे दिख रहे हैं, उतरेंगे भी शायद बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पे, और कुछ सीट खाली भी दिख रहा है। और अभी देखिए ट्रेन रुकने के बाद पैसेंजर चढ़ने का भी पूरा एकदम भाग दौड़ा स्टार्ट हो गया है, कुछ आदमी जो है अंदर से उतर रहा है, बहुत सारा आदमी जो है अभी चढ़ रहा है। देखिए यही हाल है क्योंकि इसके बाद कोई गाड़ी है नहीं पटना जाने के लिए, आखिरी गाड़ी हो जाती है, इसके बाद वंदे भारत है। वंदे भारत का स्टॉपेज ना तो जहानाबाद में हालांकि दिया गया है औपचारिक रूप से, लेकिन नहीं है कि नॉर्मल आदमी आप चढ़ नहीं सकते उसमें विदाउट टिकट। तो देखिए यही लोकोमोटिव रेडी भी है, पहले से ही लोकोमोटिव रेडी रहता है, जैसे ही ट्रेन आता है उसके पीछे पीछे लोकोमोटिव आ गई है। अब यहाँ पर यही वाला लोकोमोटिव अटैच होगा और अटैच होने के बाद फिर ये पटना की तरफ जाएगी। देखिए ये यहाँ से जनरल है, इसके बाद ACS स्टार्ट है, उसके बाद फिर उधर सब D1, D2, D3 करके है। और अगर इस ट्रेन का टाइमिंग का बात करें तो ट्रेन यहाँ से 8:35 में डिपार्चर होगी पटना के लिए,
और अभी एग्जैक्ट 8:30 लगभग हो चुका है, कुछ ही पल में हमारी ट्रेन यहाँ से खुल जाएगी। और देखिए गाड़ी का सिग्नल हो चुका है, पीला जल चुका है सिग्नल, बहुत जल्द यहाँ से ट्रेन अब। तो गाइस ट्रेन यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है और आगे देख सकते हैं जो हरी बत्ती जल रहा है वो ड्राइवर साहब को गार्ड को इंडिकेट करने के लिए है। बाकी देखिए अभी भी शायद कुछ पैसेंजर आ रहे हैं दौड़ दौड़ के। ट्रेन जो है पूरी की पूरी स्टेशन क्रॉस कर चुकी है और यहाँ से खुलने के बाद जो इसका अगला पड़ाव है वो है जहानाबाद। तो गाइस अभी ट्रेन हमारी जहानाबाद आ चुकी है, ट्रेन जो है एकदम ऑन टाइम आया है, एक भी मिनट लेट नहीं है। ये देखिए यही ट्रेन अभी आकर खड़ी हुई है। यहाँ के बाद जो अगला स्टॉपेज है इसका वो तारेगना जो कि मसौड़ी स्टेशन। ये देखिए हमारी ट्रेन अभी जहानाबाद से खुल चुकी है, सामने देखिए बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा जहानाबाद का। यहाँ से खुलने के बाद अभी ये डायरेक्ट तारेगना रुकेगी। तो ये देखिए ये ट्रेन अभी जस्ट मसौड़ी तारेगना स्टेशन पहुंच चुकी है और देखिए पूरा सुनसान है। लास्ट पैसेंजर जो चढ़ेगा यहीं से कुछ कुछ चढ़ेगा, उसके बाद तो समझिए कहीं कोई नहीं चढ़ेगा। तो गाइस हमारी ट्रेन अभी मसौड़ी यानी कि तारेगना स्टेशन आ चुकी है और एकदम ऑन टाइम आई है, ज़्यादा लेट नहीं है, 2 से 3 मिनट का लेट है तो चलता है। जबकि रांची से चली थी ऑन टाइम और गया से भी खुली थी ऑन टाइम और तारेगना भी आ गई ऑन टाइम। ये रहा एक छोटा सा मज़ेदार सफ़र जो कि गया से लेके अपना तारेगना स्टेशन तक का रहा। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि गया से समझिए कि सबसे आखिरी ट्रेन यही है मसौड़ी और जहानाबाद आने के लिए, हालांकि इसके पीछे वंदे भारत रहती है, तो वंदे भारत ना तो तारेगना रुकती है, शायद अभी जहानाबाद में उसको टेम्प्रोरी स्टॉपेज दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके पीछे कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है, जो इसके छूटने के बाद समझिए कि आप गया के गया में फंस जाएंगे, कोई भी इसका भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाया गया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पीछे से भी कोई ना कोई एक ट्रेन चलाई जाए तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके DRM तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि जन शताब्दी के बाद एक ठो पैसेंजर ट्रेन चाहिए भाई, क्योंकि बहुत जहानाबाद रुकती है और तारेगना रुकती है, ना ये नदमा रुकती है, ना ये पोठी रुकती है, ना पीछे में नदौल रुकती है। तो जितना भी जो पैसेंजर है आखिरी का पैसेंजर वो सारा का सारा छूट जाता है। बाकी देखिए अपना तारेगना स्टेशन का व्यू, यही व्यू है आपको। और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन आती है, गैस तरफ से जितनी भी ट्रेन आती है एक ही नंबर पे आती है, और उधर जितना भी पटना से जो ट्रेन आती है वो सारा का सारा 2 नंबर पर आती है। तो यही रहा छोटा सा जर्नी। चलिए ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चाहें तो आप साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।